हाय फ्रेंड एनआईटी नजर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं जो कि ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियर के थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए है। कौन सा मॉडर्न सिरेमिक है, सब्जेक्ट का नाम है मॉडर्न सिरेमिक, जो कि 2018 का पेपर है, उसको हम सॉल्व कराना है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने सब बता दिया था कि कौन कौन से दो पार्ट, हमने दो एक वीडियो डाल रखा है फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने लो लॉस सिरेमिक को बताया है, सिरेमिक जिसमें स्टेटाइट और क्वाडेराइड बॉडी को अच्छे से समझाया, तो जाके आप वहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद परमेटिव सिरेमिक को भी उसमें हमने बताया है, प्रिमिटिव सिरेमिक को भी अच्छे से समझाया है, तो उसको भी वहाँ जाके आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो देर न करते हुए आज हम उससे आगे सॉल्व करते हैं कि आगे के क्या क्या होता है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसको हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। जल्दी कोशिश यही करेंगे तो जितना जल्दी आपको सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करा पाए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने करा दिया था, लो लॉ सिरेमिक व्हाट इज परमेबिलिटी, ये दोनों हमने करा दिया था। 20 नंबर का तो हम ऑलरेडी पहले फर्स्ट पार्ट में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बता दिया है। नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे कि क्या होता है टफनिंग। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, गिव द डिटेल्स ऑफ एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से किसी चार के बारे में आपको लिखना है, जो कि कितने मार्क्स का है, 10 नंबर का है। तो चार में से इन सबको हम क्लियर कराते हैं आप लोगों को, आपको कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो ये जो फर्स्ट है टफनिंग बाय जिरकोनिया, ठीक है, फर्स्ट है तीसरा का ए। तो पहले आपको जिरकोनिया को समझना होगा, जिरकोनिया, ठीक है। तो इसका आपको पहले आपको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो वैसे तो सिंबल होता है जेड आर, लेकिन जिरकोनिया को जिरकन ऑक्साइड लिखा जाता है, जेड आर ओ टू लिखा जाता है, जेड आर ओ टू जिरकन ऑक्साइड। वैसे इसका सिंबल की बात करें तो जेड आर ही होता है, ठीक है। नेचर आपकी बात करें तो ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट तो ध्यान नहीं आ रहा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों इसका हाई होता है, ठीक है। तो ये इसकी डेंसिटी भी हाई होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जिसके कारण क्या है, इसको हम एज ए स्ट्रेंथिंग मटेरियल भी यूज करते हैं। हाँ, तो हम क्या जो टफनिंग होती है जिरकोनिया की, ठीक है, तो टफनिंग क्या है जिरकोनिया की, जो टफनिंग क्या मतलब मींस क्या है कि जिरकोनिया के द्वारा किसी मटेरियल में यानी किसी प्रोडक्ट में यदि हम डाला जाए, हम उसमें डालते हैं तो उसको टफन बनाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम किसी प्रोडक्ट में हम जिरकोनिया को डालते हैं, जिससे क्या होता है उसका जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। मान लिया जाए कोई जैसे कि एक रिफैक्ट्री देखे होंगे, एक रिफैक्ट्री है आपकी AZS, तो इसमें क्या है एलमुना भी है, ए से एलमुना, जेड से जिरकोनिया और एस से आपकी सिलिका रिफैक्ट्री। तो ये इस टाइप की जो रिफैक्ट्री बनेगी, जो ब्लॉक होते हैं इनका, ये तो फर्स्टली न्यूट्रल बनेगा, प्लस क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और टेम्परेचर सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि एलमुना से टेम्परेचर किसका ज़्यादा होता है, सिल्का से टेम्परेचर आपका एलमुना का टेम्परेचर के रूप में देखा जाए तो जिरकोनिया फर्स्ट नंबर पे है, जिरकोनिया, उसके बाद एलमुना आता है और उसके बाद आपका सिल्का आता है। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर सहन करने की क्षमता तो देता है जिरकोनिया, ठीक है। ये टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होने लगेगा, ऊपर साइड में जाएंगे तो इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो जिरकोनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर, उसके बाद अल्मोना का टेम्परेचर होता है, उसके बाद सिल्का का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है कि ये टेम्परेचर के साथ साथ क्या है, इसको हम ये डेंसिटी भी इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, डेंसिटी को भी ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम किसी प्रोडक्ट की अगर यदि हम ताप सहन करने की क्षमता और उसकी मजबूती बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत जिरकोनिया को डाल देते हैं, जिससे क्या है कि ये उसमें उसके ताप सहन की क्षमता और उसकी जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको ये बढ़ा देता है। इसलिए क्या कहते हैं टफनिंग में, टफ कर देता है, उसको टफ कर देता है, मजबूत कर देता है, क्या इसका कौन कर देता है, जिरकोनिया कर देता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री, ठीक है। ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है, ये भी हाई टेम्परेचर को सहन करने वाला मटेरियल होता है। ये सब क्या है, स्पेशल सिरेमिक में आते हैं। किस में आते हैं, स्पेशल सिरेमिक में। स्पेशल सिरेमिक में जब किसी प्रकार की स्पेशल चीजें बनाई जाती हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा चेंजेस कर दिया जाता है या दो मटेरियल को एक साथ मिला जाता है। एक तरीके से इसको हम कंपोजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक है आपका सिलिका है, दूसरा आपका क्या है, कार्बन। तो इन दोनों को जो मिला के बना दिया जाता है तो वो क्या बनता है आपका, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, SiC बनता है। तो ये इसके जो यदि इस टाइप के मटेरियल बनाने का मेन उद्देश्य है कि इसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ा देना। जैसे सिलिका का मेल्टिंग टेम्परेचर आपका कितना, 1710 से 1723 के बीच में होता है, 1723 तक होता है लगभग। इसका आपका 3500 तक जाएंगे, 3400 से 3500 तक इसका कार्बन का होता है, कार्बन का, ठीक है। तो ये क्या है, जब इन दोनों को मिक्सअप होगा तो ये वो टेम्परेचर लगभग आपका 2500 से 2800 तक जब पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को एक साथ मिलाया जाता है, ठीक है। तो मेन उद्देश्य क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना है और उसके जो जो भी गुण है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाना है। इसलिए स्पेशल सिरेमिक को बनाया जाता है दो अलग अलग मटेरियल को लगे। और आपको पता है कंपोजिट भी इसी तरीका से होता है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री का जो आप ये टाइप की बात करें, सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री की टाइप बात करें तो दो तरीके से होता है, अल्फा सिलिकॉन कार्बाइड और आपका दूसरा होता है बीटा सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब रॉ मटेरियल्स की यदि हम बात करें, रॉ मटेरियल्स की सिलिकॉन कार्बाइड किस किस चीजों से बनता है, कच्चे पदार्थ। रॉ मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, कच्चे पदार्थ। कौन कौन से ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जिससे वो सिलिकॉन कार्बाइड बनता है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। तो आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिलिका है प्लस कार्बन है, तो ठीक है। तो उसमें क्या है, सिलिका सिलिका यानी इसका फार्मूला होगा आपका, ये सिलिका कितने परसेंट में डाला जाता है आपका, 55% सिलिका। सिलिका कितना परसेंट डाला जाता है, 55%। कोक के कितने परसेंट आपका डाला जाता है, 35%, ठीक है। 35 से कम भी हो सकता है, इसका एवरेज में डाला जाता है। उसके बाद क्या है कि आपको ये कोक किस लिए डालता है, कार्बन को प्राप्त करने के लिए कोक डाला जाता है, ठीक है। फिर उसमें लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है और नमक डाल जाता है, ठीक है। दो चीजें और बढ़ाया जाता है कि नमक डाल दिया जाता है जिसे साल्ट बोलते हैं, और लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है। तो इन सबका अलग अलग अपना गुण होता है। लकड़ी का बुरादा होता है कि उसके चारों तरफ उसको बना के मेंटेन रखे से चलता है। नमक क्या होता है, लकड़ी के बुरादा और सिलिका और कार्बन के बीच के रिएक्शन को मेंटेन रखता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है। बनाने की विधि की बात करें तो वही में प्रोसेस है। इसको क्या है कि स्पेशल टाइप के रिफैक्ट्री स्पेशल टाइप के सिरेमिक को बनाने के लिए क्या है कि रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, फिर उसको कैल्साइन करते हैं। कैल्साइन करने के बाद क्या है, उसको हाई टेम्परेचर पे निस्तापित करते हैं। निस्तापित करने के बाद उसको हम बनाते हैं, ठीक। निस्तापन करने के से क्या होता है, उसके जो अवगुण है वो समाप्त हो जाते हैं। और इसको हम सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री बनाने के लिए क्या है कि ऐसे एनवायरमेंट में इसको पकाया जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित ना हो। क्या उपस्थित ना हो, O2 उपस्थित ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सिलिकॉन कार्बाइड जो कार्बन होता है रिएक्शन करके वो उड़ जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, सभी को हाई टेम्परेचर पे करते हैं और ऐसे जगह हम इसको फायर करते हैं जहाँ पर क्या है कि आपका ये ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, एयर उपस्थित ना हो, ठीक है। इसमें यदि बाइंडिंग मटेरियल भी मिला जाता है, बाइंडिंग मटेरियल के आपके लोगों में कैल्शियम मिला जाता है, कार्बाइड मिला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप सिलिकॉन कार्बाइड सिरेमिक को या स्पेशल सिरेमिक है या सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री को आप अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और डिटेल्स में हमने पढ़ाया है इसको, आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। यदि इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें सिलिकॉन कार्बाइड की, ठीक है, तो ये सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर कितने पे होता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है 2000 से
2700 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने बताया था 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका स्ट्रेंथ हाई होता है, हाई स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। और क्या होता है, जब इसको हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कार्बन क्रिया नहीं करता है, इसकी उसमें चालकता फायर के लिए अन्य वस्तुओं की उसमें चालकता से 10 गुनी होती है, ठीक है। यानी इसका थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, किसकी बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी, जो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी होती है, इसकी SiC सिलिकॉन कार्बाइड की, वो किससे 10 गुना होती है, 10 गुना होती है किससे, फायर के लिए से, क्या कितने 10 गुना होती है आपकी, 10 गुना होती है किससे, फायर के लिए से, ठीक है, फायर किलर रिफ्रैक्टरी से, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, उसमें क्या लगता है, इसमें 10 गुना होती प्रतिरोध उच्च होता है, हाई हाई रेसिस्टेंस मैकेनिकल रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। एप्लीकेशन की बात किया जाए तो, एप्लीकेशन की बात किया जाए तो आपको स्टील इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और आपका ये क्या है, रोटरी क्लीन में ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका साइलेनॉल। अब साइलेनॉल क्या होता है, आज जनरली आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका जो तीन मटेरियल मिलता है, SiLLON, ठीक है। अब इसका हम ये क्या है, इसको हम एक तरीके से कंपोजिट मटेरियल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट मटेरियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें बात करें तो कंपोजिट क्या होता है, जब दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों को मिला दिया जाता है, विभिन्न उसको विभिन्न प्रॉपर्टीज विभिन्न गुणों वाले को एक साथ मिला दिया जाता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट। तो इसमें बात करें तो इसमें चार तरीके के मटेरियल है, ठीक है, चार तरीके से आपका मटेरियल है, देखते हैं इसमें क्या है, चार तरीके के मटेरियल्स है आपका, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आपका जो SiO2 है, ये क्या होता है, सिलिका होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका क्या है, एल्युमिनियम है, Al, ठीक है, Al जो है, ठीक है, ये यहाँ पर Al एल्युमिनियम। तीसरे नंबर पे आपका है ऑक्सीजन। चौथे नंबर पर आपका है नाइट्रोजन। ये एक तरीके से स्पेशल सिरेमिक बनाया गया है, स्पेशल सिरेमिक है, स्पेशल सिरेमिक। इसकी खोज कब हुई थी आपको, 1970 में इसकी जो खोज हुई थी आपकी, साइलेनॉल की खोज जो हुई थी 1970 में हुई थी। ये किस कारण खोज हुई, एक और आपने रिफैक्टरी का नाम सुना होगा, सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन नाइट्राइड, ये एक स्पेशल रिफैक्टरी होती है, स्पेशल सिरेमिक होता है, या स्पेशल रिफैक्टरी बोल देते हैं, या स्पेशल सिरेमिक बोलते हैं। तो सिलिकॉन नाइट्राइड क्या है, ये हाई टेम्परेचर को सहन करने वाली रिफैक्टरी है, लेकिन इसको जो बनाने का प्रोसेस है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है, इसी के लिए इसके स्थान पर ये साइलेनॉल रिफैक्टरी को खोजा गया, साइलेनॉल रिफैक्टरी को या प्रोडक्ट को खोजा गया, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइलेनॉल, इसमें सिलिका होता है, एल्युमिनियम होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इस चार तरीके के उसमें मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उसमें क्या किया जाता है, उसको खोजा जाता है। साइलेनॉल के जो यदि टाइप की बात किया जाए, कितने प्रकार का होता है आपका, तो ये अल्बीटा साइलेनॉल होता है, SiAlON, ठीक है। दूसरा आपका होता है आपका अल्फा साइलेनॉल, SiAlON, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके टाइप हो गया, ये हाई टेम्परेचर को इसमें, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे एल सिलिका का अपना गुण है, एल्युमिना का अपना गुण है, ऑक्सीजन का अपना गुण है, नाइट्रोजन का अपना गुण है, जब इसको हाई टेम्परेचर पर स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसके बाद इन चारों में रिएक्शन होने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसकी ताप सहन करने की क्षमता और मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई हो जाती है,
तो वो आपका क्या होता है, सैनेलाल रिफेक्ट, सैनेलाल स्पेशल सिरेमिक या सैनेलाल रिफेक्टिव उसे भी बोलते हैं। ठीक है, इसका हम एप्लीकेशन से अगर देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है नहीं उच्च होता है। ठीक है, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है। ठीक है, इसकी ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है, इसकी ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, चौथा, ये बहुत ज्यादा अत्यधिक या अत्यधिक केमिकल रेसिस्टेंस होता है, केमिकल रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन, यदि हम देखें तो, यदि इसका एप्लीकेशन देखें तो फर्स्ट क्या है आपको, मोल्टन मेटल को हैंडल करने के लिए, रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, मोल्टन में पिघला हुआ जो मेटल होता है, पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म में जो आयरन होता है, मोल्टन मेटल को रखने के लिए जो पात्र बनाया जाता है या फर्नेस बनाया जाता है, उसको रखने के लिए उसका यूज होता है, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, हीटर्स में यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, हीटर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ट्यूब में यूज किया जाता है। चौथा आपका इंजेक्टर में यूज किया जाता है, इंजेक्टर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये उसके एप्लीकेशंस हो गए आपके, किसके, सैलेनाल रिफ्रैक्टरी के, सैलेनाल रिफ्रैक्टरी स्पेशल सिरेमिक। अब सिरेमिक सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, कंडक्टर मतलब क्या होता है, तो कंडक्टर मींस क्या है कि किसी चीज को कंडक्टिंग करने का एक माध्यम होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर को इलेक्ट्रिक करंट है या अदर कुछ चीज है तो ट्रांसफर करने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर। अब कंडक्टर किससे बने होंगे, सिरेमिक मटेरियल से बने होंगे, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सिरेमिक कंडक्टर, सिरेमिक कंडक्टर। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगे होते हैं कंडक्टर लगे होते हैं, पतले पतले से आपने देखा होगा, तो क्या होते हैं आपके, सिरेमिक कंडक्टर होते हैं। तो इनकी क्या होती है कि ये जो ट्रांसफर, इनका जो प्रॉपर्टी है करंट को ट्रांसफर करने के लिए, कंडक्टिविटी के जो प्रॉपर्टी होती है वो हाई होती है ये। और ये यदि हम सिरेमिक का ही क्यों बनाते हैं, मेटल का क्यों बनाते हैं, क्योंकि सिरेमिक की जो ताप सहन करने की क्षमता, जो सिरेमिक मटेरियल होते हैं उनके ताप सहन करने की क्षमता हाई होती है, उच्च होती है, जिसके कारण हम सिरेमिक के कंडक्टर को बनाते हैं। और इसकी जो ट्रांसफर करने की क्षमता है वो भी हाई होती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम सिरेमिक कंडक्टर्स के बनाते हैं, सिरेमिक के कंडक्टर्स के कंडक्टर कैपेसिटर भी बनाया जाता है, सिरेमिक के क्या बनाया जाता है, कैपेसिटर बनाया जाता है। तो ये सिरेमिक कंडक्टर कैपेसिटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, क्योंकि इसकी कंडक्शन जो कंडक्टिविटी है वो उच्च होती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये उसको जो लॉस कम करते हैं, लॉस को कम करता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि ये इसमें क्या है कि स्ट्रेंथ के साथ साथ इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी आपका हाई होता है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या है, सिरेमिक के कंडक्टर बनाए जाते हैं, जो जिसकी सारी प्रॉपर्टी होती है वो आपके सुपर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बार और थोड़ा आप देख लीजिएगा, नोट्स में देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेरिलिया, बेरिलिया क्या होता है, चलिए सीखते हैं। बेरिलिया, बेरिलिया
बेरीलिया, इसका फार्मूला होता है बी ओ या बेरियम ऑक्साइड बेरीलिया होता है, ठीक है। तो इसके क्या है, ये बेरीलिया को उच्च तापमान पर सरलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जो बेरीलिया होता है उसको हाई टेम्परेचर पर उच्च तापमान पर प्रयोग किया जा सकता है। इसे एल्युमिनियम से लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर पर यूज किया जाता है, जैसे कि क्या है कि इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। ये इसका जो ताप सहन करने की क्षमता है, ताप सहन करने की क्षमता है, सहन करने की क्षमता है, क्षमता है वह उच्च होता है, हाई होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसकी जो तुलना की जाती है कि जो एल्मुना होता है, एल्मुना का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, एल्मुना का मेल्टिंग टेम्परेचर आपका 2050 होता है, और इससे भी ये 500 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर को ये सहन कर सकता है। लेकिन ये सहन तो कर सकता है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जिसके कारण इसको कम यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, शुष्क हवा में यदि आप इसको कैल्साइन स्थापित करोगे तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि हवा यानी थोड़ी गीली होगी, यानी थोड़ी सी क्या होगी, हवा गीली होगी यानी जो वातावरण है थोड़ा नम होगा, तो वहां पर क्या होता है, ये उड़ने लगता है। बी ओ क्या होता है, ये उड़नशील हो जाता है, क्या हो जाता है, उड़नशील हो जाता है, जिसके कारण ये इसको थोड़ा शुष्क एटमॉस्फेयर में ही इसको हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि इसको फायर कर सकते हैं, ले गया, ठीक है। इसके निर्माण के समय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब इसका बनाया जाता है तो इसमें क्या है कि स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये ऐसा मटेरियल है जो टॉक्सिक नेचर का है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको बनाने से पहले इसको सावधानी बरतनी चाहिए। अब क्या है कि जो कच्चे माल की बात करें तो उच्च तापमान में सिरेमिक के रूप में बेरीलियो को उपयोग करने के लिए यह 99% शुद्ध होना चाहिए, यानी कि हाई टेम्परेचर पे, यानी कि बेरीलियो को बनाना है तो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 99%, यानी जो इसकी शुद्धता है, यानी कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सके, तो उसमें बेरीलिया की FeO की मात्रा क्या होनी चाहिए, 99.8% आपका क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, तभी वो काम कर पाएगा, ठीक है। बेरीलिया के कणों का आकार 1 से 10 माइक्रोन, ये प्रॉपर्टीज में आ जाएगी, जो कण का साइज है, ठीक है, जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज वो कितना होना चाहिए, 1 से 10 माइक्रोन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 से 10 माइक्रोन होने से उसमें अच्छे से आपको जो प्रॉपर्टी है अच्छे से डेवलप हो जाएगी। अब बनाने की विधि क्या करते हैं, जब बनाते कैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड कैसे बनाएंगे, तो सभी को क्या करते हैं, इसको बेरीलियम में उससे अधिकतर उच्च दाब अथवा एक्सट्रूजन मेथड से ही बनाई जाती है। आपको सूक्ष्म विधि द्वारा यानी ड्राई मेथड के द्वारा ही आपको बनाना है। ड्राई प्रोसेस को हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, जाके आप वहां देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होता है ड्राई प्रोसेस, ठीक है। तो उस विधि से आपको बनाना है। अब उसमें क्या करते हैं कि उस विधि द्वारा भी बनाए निर्मित किया जाते हैं, ढलाई घोल बनाने के लिए शुष्क विधि में, ड्राई वेट मेथड में तो इसे बनाए नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उसके मटेरियल कौन कौन से हैं, मटेरियल कौन कौन से मिलाया जाता है बेरिलियम बनाने के लिए, रॉ मटेरियल्स की बात करें, हमने कच्चे पदार्थ की बात करें, रॉ मटेरियल्स की बात करें कच्चे पदार्थ की बात करें तो क्या है, कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, ठीक है। क्या होता है आपका 14% होता है आपका ऑक्साइड होता है 0.1% होता है, और आपका जो बेरीलिया होता है 85 से 90% होता है, ठीक है। बेरीलिया जो होता है आपका, बेरीलिया होता है आपका 85 से 90% आपका बेरीलिया होता है, ठीक है। तो इन सबको बनाने के लिए क्या है, हाई टेम्परेचर पे इसको यूज किया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, यदि हम प्रॉपर्टीज के यानी गुड़ को प्रॉपर गुड़ के बारे में बात करें, बेरीलिया के गुड़ के बारे में बात करें, तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये 3.03 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। दूसरी बात करें इसकी, जो स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना जिसे बोलते हैं, संरचना या स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना इसका क्या होता है कि इसका क्यूबिक होता है, इसका है क्यूबिक होता है। तीसरा क्या है आपका, हार्डनेस की बात करें, यदि हार्डनेस
यानी कठोरता, हार्डनेस को क्या बोलते हैं, कठोरता। यदि कठोरता की बात करें तो इसका 9 होता है मोह स्केल पे, ठीक है, ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है। चौथा यदि आप बात करें इसकी, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें तो ये आपका होता है 800 kg, 800 kg पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आपकी इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब क्या एप्लीकेशन क्या करते हैं, तो आपको हाई टेम्परेचर सहन करने वाली रिफ्रैक्ट्री बनाया जाता है, हाई टेम्परेचर को सहन करने वाली रिफ्रैक्ट्री को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, हाई टेम्परेचर रिफ्रैक्ट्री को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा स्पेशल सिरेमिक को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्पेशल सिरेमिक प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरमेट्स, ठीक है। सरमेट्स ये जनरली क्या है, इसकी बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है ये कंपोजिट मटेरियल होता है, क्या होता है, कंपोजिट मटेरियल होता है। अब कंपोजिट क्या होता है, जब दो विभिन्न गुणों वालों को एक साथ मिलाकर एक बना दिया जाता है तो उसे कंपोजिट बोलते हैं। तो उसमें क्या है, मान लिया जाए दो गुण है, एक 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 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, इसके अलग गुण है, इसके अलग गुण है, या एक मटेरियल ये है जिसके अलग गुण है, एक मटेरियल ये है जिसके अलग गुण है, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया जाता है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके उसमें थोड़ा अलग तरीके से प्रॉपर्टी आ जाती है, इन दोनों का मिक्सअप प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कंपोजिट मटेरियल होता है। अब ये कंपोजिट में ही सरमेट्स आता है, ये दो वर्ड्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सी ये दो वर्ड अलग है, सी आर अलग है, मेट्स अलग है। सी आर से होता है आपका सिरेमिक, मेट्स से होता है आपका मेटल्स। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तब क्या बनता है, सरमेट्स, ठीक है। अब सरमेट्स की बात करें तो सिरेमिक की अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे सिरेमिक की अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं सिरेमिक, इधर बात कर लेते हैं मेटल्स की। तो ये क्या है, ये इसमें क्या है, ये नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल है, नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि इसमें क्रिस्टल नहीं पाया जाता है, इसमें क्रिस्टल नहीं पाया जाता है, इसमें क्या है, इसमें क्रिस्टल पाया जाता है, नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन होता है। दूसरा क्या है, ये क्या है, भंगुर नेचर का होता है, भंगुर नेचर क्या होता है, इस ये क्या है, तन्यता नेचर का होता है, यानी पीतने पर ये बढ़ता है। चौथा क्या है कि ये आपका होता है कि हाई टेम्परेचर को उच्च तापक्रम को सहन कर सकता है, उच्च तापक्रम को ये सहन कर सकता है, ये उच्च तापक्रम को नहीं सहन कर सकता है, किसकी तुलना में, सिरेमिक की तुलना में ये इसको सहन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से मटेरियल हमें बनाना है, ये दोनों को मिक्स कर दिया जाए, जैसे इसमें क्या है, ये इसमें क्रिस्टल नहीं होते हैं लेकिन इसमें क्रिस्टल होते हैं, इसमें भंगुरता का गुण है, इसमें तन्यता का गुण है। इसका अवगुण क्या है कि ये है जैसे कि कोई भी सिरेमिक का प्रोडक्ट है उसको आप थोड़े से जैसे भी उस पर कोई चोट मारोगे, ये छोटे छोटे टुकड़ों में, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, ये इसका एक अवगुण है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप उसको लोहे को, मेटल्स को जितना पीटते जाओगे वो बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है कि इसमें जो नहीं है, इसमें क्या है, इसमें बढ़ने वाला गुण नहीं है, तन्यता का गुण नहीं है, और इसमें क्या है, भंगुरता का गुण नहीं है, और दूसरा क्या है, कमी है कि जैसे कि बोला ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है लेकिन जो मेटल्स होता है हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता है, तो ये इसमें अवगुण है। तो इन दो कमियों को पूरा करने के लिए जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो बनता है सरमेट्स, और सरमेट एक कंपोजिट मटेरियल है। इसकी जब ये जो प्रोडक्ट बनकर रेडी होगा तो उसकी क्या होगी, उसकी ताप सहन करने की भी क्षमता होगी और उसमें थोड़ा तन्यता का भी गुण होगा, ठीक है, और स्ट्रेंथ तो होगा ही क्योंकि इसमें आयरन है, ठीक है।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, बढ़ जाती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सिरेमिक और मटेरियल्स को मिला के एक कंपोजिट मटेरियल मिलाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, सरमेट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, राइट द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ हेक्सागोनल फाइल। क्या ये प्रॉपर्टीज क्या है, जब प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि आप मैग्नेटिक सिरेमिक को पहले समझ लो, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैग्नेटिक सिरेमिक क्या होते हैं, ऐसे सिरेमिक मटेरियल जिसमें मैग्नेट का चुंबकत्व का गुण पाया जाता हो। किसका गुण पाया जाता हो, चुंबकत्व का गुण, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती हो, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी के द्वारा उत्पन्न न की जाए, न किया जाए, वो स्वतः ही उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सिरेमिक बोलते हैं। ये दो तरीके से होता है, हार्ड हार्ड मैग्नेटिक, एक हार्ड, दूसरा आपका होता है सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, उसी में आता है आपका, हार्ड में आता है हेक्सागोनल फेराइट्स। ठीक है, हेक्सागोनल फेराइट्स, ठीक, तो इस तरीके से क्या है, हेक्सागोनल फेराइट है, इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, और ये इसकी जो एफिशिएंसी, इसकी दक्षता है, फेराइट्स के चुंबकत्व का गुण है, बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज के होने के कारण क्या है, ये बनाया कैसे जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बनाया कैसे, बनाने के बारे में पूछ लेता है कि क्या कैसे क्या बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला है क्या आपका, रॉ मटेरियल्स, यानी कच्चे पदार्थों को आपको इकट्ठा करना है, मटेरियल्स। ठीक है, फिर आपका है क्रशिंग, फिर आपका ग्राइंडिंग, फिर उसके बाद क्या है, ठीक है, मिक्सिंग। मिक्सिंग के बाद आता है आपका कैल्सिनेशन, निस्तापन, इसे क्या बोलते हैं, निस्तापन। निस्तापन के बाद आपका आता है, निस्तापित कर लिया जाता है, कितने टेम्परेचर पे किया जाता है आपका, 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने टेम्परेचर पे, 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, इसको निस्तापित कर लिया जाता है। निस्तापित करने से क्या होता है कि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकल जाती है, और एक अच्छा रॉ मटेरियल मिलता है। फिर उसकी क्या किया, फिर दोबारा उसकी क्या की जाती है, ग्राइंडिंग किया जाता है। फिर उसकी क्या की जाती है, ग्राइंडिंग किया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बेट ग्राइंडिंग करते हैं। यहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाएगा, बेट, उसके बाद आपका फिल्टर प्रेस आएगा, फिल्टर प्रेस आएगा। फिल्टर प्रेस के बाद आपका क्या जाएगा, फिल्टर प्रेस में क्या होता है, पानी निकालने, जो यहाँ पर आपने 50% वाटर 50% रॉ मटेरियल को मिलाया है, उसको निकालने के लिए उसमें 20% पानी बचाने के लिए, 30% बाहर पानी बाहर निकालने के लिए क्या फिल्टर प्रेस का यूज करेंगे। फिल्टर प्रेस के बाद क्या है कि आपका ये आएगा, पग मिलाएगा, और इससे क्या है कि जो भी केक मिलेगा, केक के द्वारा कि आप अच्छे से एक प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक, प्रोडक्ट को अच्छे से बनाया जा सकता है। ठीक, तो इसके कई प्रॉपर्टीज थी, इस तरीके से आप क्या है, हेक्सागोनल फेराइट्स को आप बना सकते हो। ठीक है, इसमें एक हिस्टेरेसिस लूप को पूछता है, कभी बार बार एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लूप को आप फिगर बना के चलो, जैसे हिस्टेरेसिस लूप को बारे में पूछ लेता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप, शैथिल्य, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, शैथिल्य। इसको आप करके जाना, ये बार बार आता है इस तरीके से, एक है आप नोट्स में देखें, देख लेंगे, इस फिगर में होता है। ठीक है, तो ये एक वक्र रेखा है, वह वक्र रेखा जो किसी पदार्थ के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के पूर्ण परिवर्तित को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय फ्लक्स को पूरा रूप से ये प्रदर्शित करता है। ये वो शैथिल रूप है या हिस्टेरेसिस लूप है, हिस्टेरेसिस लूप या शैथिल्य इसे बोलते हैं। इसको आप पढ़ के जाइएगा, ये बार बार आता है, अच्छे से आप समझ के जाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस फिगर को आप देख लीजिएगा और इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, समर तेज का मान एक दिशा में अधिकतम मान से चलकर शून्य होता है, ये जीरो पे मान लेते हैं, इधर ये इधर क्या है आपका प्लस वाला रहेगा, प्लस में रहेगा, और इधर आपका माइनस में रहेगा, इधर आपका प्लस माइनस में, इधर प्लस में रहेगा।
तो ये आपके नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या होता है स्ट्रेसेस लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइबर रिइंफोर्स्ड सिरेमिक एंड ग्लास कंपोजिट। फाइबर रिइंफोर्स्ड कंपोजिट यानी कंपोजिट मटेरियल है, कंपोजिट तो बार बार आ रहा है, अब इसमें क्या है, ये हमें क्या बनाना है, ग्लास सिरेमिक बनाना है, ग्लास सिरेमिक बनाना है, उसमें हम किसको डालते हैं, फाइबर को डालते हैं, फाइबर मटेरियल को डालते हैं एज ए रिइंफोर्समेंट के रूप में, मतलब थोड़े बहुत स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी को मिलाने के लिए। अब जैसे ग्लास ये दोनों क्या है, इसके प्रॉपर्टीज हमने क्या बोला, भंगुर पदार्थ है। अब भंगुर पदार्थ है ये, इसमें क्या है, भंगुरता का गुण होता है, और जो फाइबर होता है उसको आप कितना भी लंबा खींच सकते हो, क्या सिरेमिक प्रोडक्ट को आप बढ़ा सकते हो, खींच सकते हो, नहीं, लेकिन फाइबर मटेरियल को आप बढ़ा सकते हो, खींच सकते हो। तो जो इसमें क्या है, भंगुरता का गुण है, इसमें फाइबरस का है, ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है जो सिरेमिक है, और ये फाइबर है लो टेम्परेचर को, क्योंकि फाइबर उतना टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अलग बात है कि जब इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है तो स्पेशल टाइप से बनाया जाता है, तब तो उस फाइबर को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ी बहुत मात्रा में इसको रिइंफोर्समेंट किया जाता है, हल्के उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए इसमें फाइबर को मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपकी कंपोजिट बनेगी जो हाई क्वालिटी की बनेगी, और बनाने की विधि क्या है, सेम क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज के बाद क्या है, उसमें मिक्सिंग करते समय आपको फाइबर को मिला देना है, फाइबर्स को मिला देना है, जिससे क्या है कि आप फाइबर रिइंफोर्स्ड ग्लास कंपोजिट मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बायोसिरेमिक। बायोसिरेमिक अच्छे से समझ लीजिए, 5-10 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बायोसिरेमिक। बायोसिरेमिक तो जो भी मेडिकल लाइन में यूज होता है, मेडिकल लाइन में यूज होता है यानी डॉक्टरी लाइन में जो भी यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोसिरेमिक मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, बायोसिरेमिक मटेरियल बोलते हैं, जैसे कि इसके राम बायोसिरेमिक मटेरियल बोलते हैं। यदि डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए कि बायोसिरेमिक मटेरियल क्या होते हैं, तो जो वह सिरेमिक पदार्थ जो कि आपकी मेडिकल लाइन में, या आपका मेडिकल लाइन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मेडिकल को आप डॉक्टरी लाइन में भी बोल सकते हैं, उस लाइन में जो भी मटेरियल जो चिकित्सा क्षेत्र में जो वे सिरेमिक पदार्थ जो यूज किए जाते हैं उसको आप बायोसिरेमिक पदार्थ, बायोसिरेमिक मटेरियल्स या पदार्थ, बायोसिरेमिक पदार्थ बोल सकते हैं। इसके रॉ मटेरियल्स की बात करिया जाए, इसकी रॉ मटेरियल्स की बात किया जाए तो पहला आपका है आपका पहला जो मेन इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो होता है एल्यूमिना। दूसरा का इसका मेन मटेरियल कौन सा होता है आपका, ठीक, जिरकोनिया, देख सकते हैं जिरकोनिया का कितना उपयोग है, एल्मोना का कितना। तीसरा आपका है, आपका मटेरियल है हाइड्रोक्सीपेटेट, ठीक है, हाइड्रोक्सी, ठीक है, पेटेट, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। पांचवा क्या है आपका, बायो एक्टिव ग्लास, बायो एक्टिव ग्लास, ठीक है। छठा आपका है, छठा आपका है, ठीक है, ग्लास सिरेमिक, ग्लास सिरेमिक भी आपका बायो सिरेमिक में आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सारे मटेरियल्स को लेके कासिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग करके इसे एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद जैसे हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं इसकी, तो इसकी एप्लीकेशन की बात किया जाए, एप्लीकेशन की बात किया जाए कहाँ पर बायोलाइन में कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो जो घुटने की कप होता है, कटोरी टाइप से जो होता है, कप होता है क्या, घुटने के, किसका कप होता है, घुटने में जो कटोरी टाइप से लगा होता है वहां पर हम यूज करते हैं दांत बनाने के लिए, दांत बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, फ्रैक्चर को, यानी जब हाथ पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए, यानी हाथ पैर की जब हड्डियां जुड़ जाती हैं तो उसमें जो रॉड पड़ता है, एक रॉड पड़ता है, वो सिरेमिक का बना होता है। दूसरा
कृत्रिम आंख लगाने बनाने के लिए, कृत्रिम आंख बनाने के लिए, ठीक है। तीसरा आपका है जो पीओपी का यूज किया जाता है, प्लास्टर जिसे बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर चढ़ाने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए। इसकी प्रॉपर्टीज की बात किया जाए, प्रॉपर्टी एक्चुअल में पहले बताना चाहिए, प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो ये क्या है कि हमारी बॉडी से क्रिया नहीं करनी चाहिए, यानी हमारी बॉडी से क्रिया नहीं करना चाहिए, वो क्रिया नहीं करता है। तीसरा ये है स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। तीसरा आपका एब्रेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ठीक है। ये जिसकी ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन हाई होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन इसका उच्च होना चाहिए। तो इन सब के द्वारा क्या है कि इस तरीके के मटेरियल्स की ये सारी प्रॉपर्टीज के हाई होने से क्या होता है कि उसकी गुण को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये अब इतना आपको क्लियर करा दिया गया। पीजो इलेक्ट्रिक समय एक्चुअली लैपटॉप शट डाउन होने वाला है, जल्दी जल्दी बदल। पीजो इलेक्ट्रिक समय क्यों क्या होती है, इस पर हमने बनाया पढ़ाया था, रडार के बारे में, सोनार के बारे में अच्छे से पढ़ाया था। वहाँ उसको देख लीजिए, उस पीजो सिरेमिक में आता है सॉफ्ट फेराइट्स होता है, जो हमने फेराइट्स का भी बताया, ठीक है। सुपर कोटिंग में ग्राइंडिंग मीडिया होता है, जो ग्राइंडिंग करने के लिए, पीसने के लिए जो भी बाल से यूज किया जाता है बाल मिल में, तो ग्राइंडिंग मीडिया होती है। और सिरेमिक इन फ्रीक्वेंसी वर्क यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रूप में जो यूज किए जाते हैं उसको हम हाई फ्रीक्वेंसीज में कहते हैं। इंसुलेटर्स में भी, इंसुलेटर्स भी होता है इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये हमारा लैपटॉप शटडाउन होने वाला है, ठीक है, पहले से मैसेज आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट आप लग आप अच्छे से दें, आज कल आपका लास्ट एग्जाम है, लास्ट पेपर है, और अच्छे से दें, बिना टेंशन के दें, ठीक है। थैंक यू।